Hello dear students and friends, this is J.S. Gill. Welcome to our YouTube channel Learn Squared. और आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू पे बात करने के लिए, दैट इज़ लॉकडाउन. राइट, ये एक ऐसा इवेंट है जो अचानक हो गया, जिसके लिए लोग प्रिपेयर नहीं थे, और ये ऐसा इवेंट है जो हमारी प्रिपरेशन को सीवियरली इफ़ेक्ट करेगा. राइट, तो इसी मुद्दे पे मैं बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट जो हैं इस चीज़ को लेके बहुत पैनिक मोड में है कि लॉकडाउन हो गया है, प्रिपरेशन कैसे करें, सारा ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गया है, और आनंद फानंद में लोग घर पे वापस आए हैं, बहुत लोगों के पास बुक्स भी नहीं है, तो इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए. राइट, तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगा इस समय, डू नॉट पैनिक. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सिचुएशन है वो कुछ भी हुआ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल, ऐसा नहीं है. नो डाउट ये जो लॉकडाउन का सिचुएशन है, ये ऐसा सिचुएशन है जिसमें इंसान को चिंता होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं लेना है, क्योंकि पैनिक लेने से हम कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, उल्टा हमारा जो परफॉर्मेंस है, जो हम इस टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो डिग्रेड होगा. अगेन आपको ध्यान रखना है, जो कुछ भी हुआ है सबके साथ हुआ है, किसी एक इंडिविजुअल ये स्थिति से सफ़र नहीं कर रहा है. मतलब ऐसा नहीं है कि एक्स आदमी लॉकडाउन से सफ़र कर रहा है, वाई जो स्टूडेंट है वो सफ़र नहीं कर रहा है. तो इस जो प्रॉब्लम हो रहा है, इससे सब लोग इक्वली सफ़र कर रहे हैं. सो वी ऑल आर इन अ सेम बोट, ठीक है ना, सब लोगों के साथ ये समस्या है. तो इसलिए आपको सबसे पहला काम जो करना है, पैनिक नहीं लेना है, ठीक है. और आप ध्यान से सुने कि आप इस लॉकडाउन पीरियड का क्या बेस्ट जो यूज़ है वो कर सकते हैं फ़िलहाल. तो सबसे पहले बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ. कि सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन है कि ये जो लॉकडाउन है ये डेफिनेट पीरियड के लिए है कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए है. तो ये बात पक्की है कि एक डेफिनेट पीरियड के लिए, इनडेफिनेट तो नहीं है कि दो चार साल तो नहीं चलने वाला है, ये एक डेफिनेट पीरियड के लिए है. लेकिन इसका डेट, अभी जैसे हमने 21 डेज का बात किया है कि 21 डेज का लॉकडाउन है, तो ये 21 डेज एक्सटेंड भी हो सकता है. ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि जो कोरोना वायरस है उसका कोई प्रॉपर मेडिसिन या वैक्सीन मिलता है, और अगर वैक्सीन मिलता भी है तो वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है. तो इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा कि ये जो 21 दिन का लॉकडाउन है, इसका पूरा प्रोबेबिलिटी है कि अगर मेडिसिन मिलने में कोई देर होता है तो ये जो टाइम पीरियड है 21 दिन का, ये एक्सटेंड भी हो सकता है. जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन में अचानक जो संख्या है वो 150 से बढ़ के 700-750 होने लग गया है. तो ये जो कोरोना वायरस से लोगों के इन्फेक्ट होने का काउंट है, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है. तो ये हमारे लिए एक बहुत सीरियस कंसर्न है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये 21 दिन का ही लॉकडाउन पीरियड है या ये आगे और भी बढ़ने वाला है. तो नो डाउट ये बढ़ सकता है, ठीक है. तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें. और मैं एक चीज़ बताऊँ कि सबसे मेन चीज़ तो हमारे लिए हेल्थ है. अगर हमें कोई दिक्कत होता है तो फिर हम लंबा, अगर इनकेस कोरोना का कोई ट्रीटमेंट भी निकल के आता है या हम रिकवर भी होते हैं, तो हम और लंबा नप जाएंगे. इससे अच्छा है कि हम अभी फ़िलहाल प्रिकॉशन ले लें और अभी हम सेफ खेलें, ठीक है. और दूसरा ऐसा चीज़ नहीं है कि हम घर में बैठे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं. हमें थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी में बदलाव लाना है, और आगे मैं डिस्कस करूँगा कि आप इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है. तो चलते हैं आगे. तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि ये लॉकडाउन पीरियड 21 दिन से आगे भी बढ़ सकता है. ये डिपेंड करेगा कि आगे इंडिया में कोरोना से जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनकी संख्या में कैसे बढ़ोतरी होता है या कंट्रोल हो जाता है. तो कंट्रोल हो जाता है तो फिर 21 दिन पे ये हट भी सकता है, अदरवाइज बढ़ भी सकता है. तो आपको मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार रहना है. दूसरा सबसे सीरियस क्वेश्चन जो इस समय लोग पूछ रहे हैं कि भाई देखो, काफ़ी दिन से ये जो है पैनिक में है सिचुएशन. तो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई अगर हमारा 1-1.5 महीने टाइम वेस्ट हो रहा है तो क्या जो एग्ज़ाम्स है वो पोस्टपोन होंगे या सेम डेट पे होंगे, ये अगला क्वेश्चन है. तो जो मेरा अपना अनुमान है कि देखो, गवर्नमेंट जो है ये कोरोना को लेके, कोरोना एक अक्रॉस द ग्लोब एक महामारी है जिसका अभी तक कोई इलाज लोगों के पास नहीं है, और ये जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ को लेकर बहुत सेंसिटिव है, ठीक है. तो इस चीज़ का पूरा चांसेस है कि आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, बीट, UPSC, स्टेट और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हैं, ये सारे एग्ज़ाम डिले होंगे. जैसे मैं बता रहा हूँ कि UPSC ने CSE के जो सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू चल रहे थे वो अभी फ़िलहाल के लिए रोक दिए हैं, उनको डिले कर दिया है.
तो ये पूरा साइकिल है कि अगर अब इंटरव्यू लेट होंगे, एक दो महीने बाद इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, तो फिर अकॉर्डिंगली नेक्स्ट ईयर का जो प्रीलिम्स है वो उसका शेड्यूल भी शिफ्ट होगा, वो शेड्यूल शिफ्ट होगा तो अकॉर्डिंगली जो बाकी एग्जाम्स हैं वो भी शिफ्ट होंगे। तो इस चीज़ का पूरा फेयर प्रोबेबिलिटी है कि जो ESE मेंस का एग्ज़ाम है वो भी शिफ्ट हो सकता है, और जो बाकी भी आपके एग्ज़ाम डेट्स हैं वो पोस्टपोन हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा वाईजैक CIL वाईजैक और क्या नाम है, और जो बाकी आपके एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन ऑलरेडी हुए हैं, SSC JEE भी पोस्टपोन हुआ है, राइट। तो बहुत सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं और इस चीज़ की पूरी प्रॉबिलिटी है कि आपके UPSC के एग्ज़ाम्स जो बचे हैं वो भी पोस्टपोन होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इस इश्यू को बहुत सीरियसली टैकल कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए भी आप मेंटली तैयार रहें कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। और मुझे इवन 99% लगता है कि UPSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा वो पोस्टपोन होगा ही होगा, ठीक है। बाकी इस चीज़ पे पोस्टपोनिंग पे अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये जस्ट स्पेकुलेशन है। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम सब लोग एक ही बोट में, ठीक है, लॉकडाउन सबके लिए हुआ है और अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो सबके लिए होगा, तो अभी हम क्या कर सकते हैं। देखो ये एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, इससे हम ये नहीं कह सकते कि अब जैसे बहुत लोग हैं सर ये बहुत बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये कह रहा है कि भाई कोरोना होना चाहिए था, ठीक है, ये एक महामारी है, इससे लाखों लोग मर चुके हैं और लाखों लोग इससे ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं जो सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक नेचुरल कैलेमिटी टाइप का है, प्राकृतिक आपदा है जिससे पूरा जो ह्यूमन रेस है वो सफ़र कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, राइट। तो अकॉर्डिंगली हमें सारा जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा या जो रिवाइज डेट आएगा जो भी होगा, लेकिन फ़िलहाल हमें क्या करना है कि अभी हमें पैनिक ना लेते हुए जो लॉकडाउन हुआ है, जो जिसमें लॉकडाउन में क्या हम घर में बंद हैं, तो अब हम बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या कर सकते हैं इस टाइम को, वो हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो अगला जो मैं चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ कि हाउ टू यूटिलाइज लॉकडाउन पीरियड, ठीक है। तो देखो लॉकडाउन में बाकी ये कहना है कि आप फैमिली के साथ मिल लो, फैमिली के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है, आप योगा मेडिटेशन करो, तो ये सब लॉलीपॉप हैं। मुझे पता है कि जो स्टूडेंट है वो इस समय इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगा अपने एग्ज़ाम और करियर को लेकर, वो इन सब चीज़ों के बारे में बोलना तो उसे एक फालतू में सांत्वना देना होगा। तो जो मैं कहूँगा कि भाई लॉकडाउन पीरियड का अगर आप बेस्ट यूज़ करना चाहते हो तो आप सबसे ज़्यादा इस समय सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो, ठीक है ना। तो आप अपने लॉकडाउन पीरियड को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है, क्योंकि देखो आप सबसे बड़ा इशू है ये है कि हम एक जगह पैक्ड है, हम कहीं बाहर नहीं घूम सकते, हम चार लोगों से मिल नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है कि हम जाते हैं दोस्तों के साथ बात करते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो रिलैक्स होता है, ठीक है। अभी क्या हम एक कुछ लोग एक दो रूम में घिरे हुए होंगे तो एक पैनिक सिचुएशन है, तो थोड़ा सा रिलैक्स करना ज़रूरी है, ऑल दो क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होगा। तो आप सबसे पहले जो अपना टाइम है उसको दो हिस्सों में बांट दें, स्टडी के लिए टाइम निकालें, और मैं कहूँगा इस लॉकडाउन पीरियड में आप 8 to 10 hours देने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपके पास कुछ भी और करने के लिए नहीं है। तो आप जो अपना स्टडी का टाइम है वो 8-10 hours कर लें, बाकी आप रिलैक्सेशन टाइम 2 hours तक निकाल सकते हैं वेरी इजली, ठीक है। रिलैक्सेशन में क्या करना है हम लोग वन बाई वन बातें करेंगे आगे इस चीज़ पे। ठीक है, तो मैं एक चीज़ पे ये यहाँ पे बोलूँगा कि आप जो स्टडी का आपका प्लान है ना वो कम से कम आप 8 to 10 hours रखिए, ठीक है। इस समय आप 8 to 10 hours निकाल सकते हैं क्योंकि आप कोचिंग वगैरह कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पैनिक सिचुएशन इस समय आ रहा है कि अगर हम सेल्फ स्टडी कर भी रहे हैं तो कैसे स्टडी करें। तो मैंने जैसा बोला कि आपको सबसे ज़्यादा जो इस समय ध्यान देना है दैट इज़ ऑन सेल्फ स्टडी, और आपको ये टाइम जो है ना वेस्ट नहीं होने देना, ठीक है। ये चीज़ आप एक अपने दिमाग में बैठा लेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी कैसे करें, देखो मैक्सिमम जो इशू आ रहा है वो ऑफलाइन कोचिंग वालों के साथ आ रहा है, ऑफलाइन जो कोचिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट सारा बंद है, ठीक है। अब हमें लोग पैनिक में आ गए भाई हम तैयारी कैसे करें, तो देखो कुछ मैं सजेशन दे रहा हूँ अगले 1 to 1.5 महीने के लिए। देखो बहुत सारा इशू है, जैसे मान लो अप्रैल में तो आप वापस कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा ये भूल जाइए, ठीक है, उसका कारण है पहली बात तो जो मेरा अपना एक्सपेक्टेशन है अगर कोरोना का प्रॉपर वैक्सीन नहीं आता है तो ये लॉकडाउन पीरियड पूरा अप्रैल भर चलेगा, ये पक्की बात है।
हाँ, अगर इसका प्रॉपर वैक्सीन मिल जाता है तो ये लॉकडाउन पीरियड अपने समय पे ख़त्म हो जाएगा। इन केस आपको मेडिसिन मिल भी जाता है, उसके बावजूद भी जो स्टूडेंट है वो रिस्क नहीं ले पाएगा इतनी जल्दी कि वापस दिल्ली में आके अपना ऑफलाइन कोचिंग में तैयारी चालू कर पाए, क्योंकि अगेन इन्फेक्शन का डर तो रहेगा। ठीक है, तो आप अप्रैल जो आपका है पूरा जो कोचिंग है वो बंद रहने वाला है, ये आप अपना माइंड मेकअप करके चलो। और ये मई तक भी एक्सटेंड हो सकता है, ये 15 मई और मई एंड तक भी जा सकता है, लेकिन अप्रैल में तो ऑफलाइन कोचिंग जो है वो पक्का बंद रहेंगे। ठीक है, तो अब आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है, सेल्फ स्टडी करना है। ठीक, और इस समय आप सबसे बढ़िया जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का हेल्प ले सकते हैं। जैसे अगर आप अनअकैडमी को भी देखेंगे तो अनअकैडमी में अप्रैल मंथ में बहुत सारा स्पेशल क्लास होने वाला है, और ये जो स्पेशल क्लास रहता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेने की जरूरत है, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप इन स्पेशल क्लास का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अप्रैल मंथ में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल क्लास मिलेंगी। और गेट और ESC का मैं बात बता रहा हूँ, सारे ब्रांचेस को मिला के मोर देन थाउजेंड, आप सही सुन रहे हो, मोर देन थाउजेंड जो है वो फ्री स्पेशल क्लास अन अकेडमी कंडक्ट करने वाला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो आप उस चीज़ का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और आप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरी डे एक स्पेशल क्लास मेरा होता है, तो आप वहाँ से भी उसका भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आपने अभी तक, आपके पास इस समय बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पैनिक में बहुत जल्दी घर चले आए, जिनके पास बुक भी नहीं है। ठीक है, तो आप इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करें, ये बेस्ट टाइम है आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए। और अगर आप देखो, आपने ऑलरेडी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, राइट, तो अभी कोई इश्यू नहीं है कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना नहीं आना। एटलीस्ट आपके पास एक महीने का आपको टाइम मिलेगा ये जज करने के लिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कितना इफेक्टिव है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के क्या बेनिफिट हैं। तो मैं ये आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप अनअकैडमी और जो अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ज़रूर देखें इस टाइम पर, क्योंकि आपके पास समय भी है और आपका इससे जो जो स्टडी का स्पीड है ना वो भी बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा, आप खुद के जो बनाए हुए नोट्स हैं, ठीक है, या टेक्स्ट बुक्स हैं, इन दो चीज़ों का आप हेल्प लें। और उससे भी ज़्यादा मैं बोलूँगा कि अगर आप ऑनलाइन थोड़ा सा सर्च करोगे ना तो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स के आपको जो है ना नोट्स मिल जाएंगे, क्लास नोट्स, जिस भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऑनलाइन बहुत सारा अवेलेबल, मैंने देखा है बहुत सारा वेबसाइट्स वगैरह है जो क्लास नोट्स प्रोवाइड कराता है, तो भले ही आपने बहुत ज़्यादा ना पढ़ा हो तो आप वो क्लास नोट्स मंगा लो, एक दो सब्जेक्ट के एटलीस्ट मंगा लो, और घर में बैठ के क्लास नोट्स देखो कि क्लास नोट्स में क्या लिखा हुआ। ऑल दो आपको बहुत समझ में नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने कोचिंग में पढ़ नहीं रखा है। आप दूसरा लॉजिक भी दे सकते हो, भाई अगर हमें खुद ही पढ़ना था हमने कोचिंग क्यों ज्वाइन किया। नहीं, कोचिंग में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप क्या इस टाइम का आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है तो आप क्लास नोट्स ले लो। क्लास नोट्स के साथ टेक्स्ट बुक का भी बहुत सारा PDF आपके को अवेलेबल मार्केट में मिलेगा, तो क्लास नोट्स पढ़ो, जो चीज़ ना समझ में आए टेक्स्ट बुक से रेफर करके उसको टेक्स्ट बुक में देखो, क्योंकि क्लास नोट्स में बहुत सारी चीज़ें ना इतना डिटेल नहीं होती। आप बिगनिंग में तैयारी करना चालू करोगे तो हो सकता है आपको दिक्कत आए क्लास नोट्स पढ़ने में, तो ये एक बेस्ट तरीका है कि आप क्लास नोट्स ले लें, क्लास नोट्स से पढ़ें, जो चीज़ ना समझ में आए वो टेक्स्ट बुक रेफर करें, और प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट अवेलेबल है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बात कर दिया स्टडी का कि भाई आपको मैक्सिमम टाइम जो है अपना स्टडी प्लान करना है, सेल्फ स्टडी करना है, क्लास नोट्स पढ़ना है, क्लास नोट्स में नहीं समझ में आ रहा है तो अपना टेक्स्ट बुक रेफर करना है, वो टॉपिक का। देखो, क्लास नोट्स में क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि रैंडमली आप बुक पढ़ने बैठोगे ना तो एक महीने में आप कुछ नहीं आउटपुट दे पाओगे। आप नोट्स पढ़ो, और क्योंकि उससे आपको कंटेंट पता लगेगा भाई क्या चीज़ पढ़ने वाली है, और एक बार आपको ये पता लगे क्या पढ़ने वाला है तो आप टेक्स्ट बुक रेफर करके वो सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप क्लास नोट्स से चालू करें और फिर टेक्स्ट बुक की तरफ जाएं। मैंने पहले बताया कि आपको इस समय ना स्ट्रेस लेवल लोगों का बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये जो पॉइंट है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो, ये नॉर्मली ही स्टूडेंट जो है वो स्ट्रेस में तो रहता है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा काम है, उसको कोचिंग भी जाना है, उसको खुद भी पढ़ना है, सारा चीज़ें। लेकिन अभी क्या है, एक अलग से बवाल आ गया, वो है कोरोना। अब लोगों को ये लग रहा है कि भाई कोचिंग कब खुलेगा, क्या होगा नहीं होगा, कुछ लोगों को हेल्थ पे इशू है कि भाई हमें ना हो जाए कहीं।
नो डाउट ये सारा सिचुएशन है, तो एक जो स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल है वो बहुत हाई रहेगा। तो मैं एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप सुबह उठ के मेडिटेशन और योगा पे बहुत ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन और योगा पे नहीं ध्यान देंगे, आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इंगेज रखें, आप खाली मत बैठें, क्योंकि जब भी आप खाली बैठेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा ही आएगा। तो आप खुद को इंगेज करो पढ़ने में, मेडिटेशन करने में, योगा करने में, तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा। आप म्यूजिक सुनो, अच्छा म्यूजिक भी जो है वो स्ट्रेस लेवल को बहुत रिड्यूस करता है। आप कुछ छोटा मोटा इंडोर गेम्स खेल सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 21 दिन आपका लॉकडाउन पीरियड है ना, इसको आप इफेक्टिवली अगर यूटिलाइज करेंगे तो आप देखेंगे आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको दिखेगा जो आप इसके बिना नहीं सीख सकते थे। तो नो डाउट ये एक ऐसा चीज़ है जो नहीं होना चाहिए था, बट अगर ये है तो इसका हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, और हमें ऐसी ऐसी चीज़ें करना है कि हमें कल को ये ना लगे कि भाई हमने टाइम वेस्ट किया लॉकडाउन के दौरान, हम बहुत सारी नई चीज़ें कर सकते थे। तो एक तो मैं कहूँगा कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रेफर करो, आपको ये पता लगेगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। मैं किसी को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि ऑनलाइन अच्छा है ऑफलाइन बुरा, ऐसा कुछ नहीं, बट फॉर वन मंथ यू कैन रेफर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड यू कैन योरसेल्फ जज कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस समय कहाँ पे स्टैंड करता है ऑफलाइन के सामने। दूसरा चीज़ है, आप मेडिटेशन योगा करें और इन सब चीज़ों का आपके जो स्टडीज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा, तो आप अपनी हेल्थ पे भी इस ड्यूरेशन में वर्कआउट कर सकते हैं। आप मेडिटेशन योगा करें, आपको एक अलग से इफेक्ट दिखेगा। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय पॉजिटिव रहें। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर को लेकर टेंशन है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इस फिलहाल मस्त रहें, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पैनिक ना लें, आप जो खुद पढ़ सकते हैं उस चीज़ पर फोकस करें, ठीक है, और बहुत सारा चीज़ें जो हैं उन पर ध्यान ना दें, मेडिटेशन योगा करें, खुद का स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करके रखें। अगर आपने इफेक्टिवली 21 दिन मेडिटेशन योगा किया तो आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ ऐसी चीज़ों से इंटरेक्ट हुए जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियल था। तो आई होप कि ये जो सेशन है इससे बहुत सारा आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि स्टिल यू हैव सम डाउट्स इन योर माइंड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि मैक्सिमम लोग जो पैनिक में हैं उनका जो स्ट्रेस लेवल है उस चीज़ को थोड़ा सा कम करने का कोशिश किया जाए। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट करके हमें अपना प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करें, ताकि हम बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट तक आपका हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच।